नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिश टॉयज में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कैसे बल्क मेल भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के या डेस्कटॉप या लैपटॉप के। तो इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। इसके लिए आपको तीन एप्लीकेशन की जरूरत होगी, एक्सेल, वर्ड और आउटलुक। ये आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम खोलते हैं एक्सेल फाइल, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी 6000 से ऊपर ईमेल एड्रेस अवेलेबल हैं। अब हम बल्क मेल टेस्ट वाली फाइल खोलेंगे। इसमें हमें सबसे पहले सारे ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है। उसको कॉपी करने के लिए आप ए वाले कॉलम पर क्लिक करिए, इधर ग्रीन कलर का जो ए है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे इसमें रोज सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि कॉपी पे क्लिक करना होगा। ये कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया है। अब आप वापस से एमएस वर्ड में जाइए, एमएस वर्ड खोलिए, उसमें आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसमें आप पेस्ट करिए, पेस्ट में ऑप्शंस आएंगे ड्रॉप डाउन के बाद, उसमें आप कीप टेक्स्ट ओनली ही रखिएगा, कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट करिएगा। तो इससे कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे ईमेल एड्रेस थे वो अब हमारे पास एमएस वर्ड में कॉपी हो चुके हैं। अब हमें ये ऊपर जो ईमेल लिखा हुआ है इसको उड़ाना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, ये हेडिंग था। अब हमें ये न्यू लाइन हटा के इन सब के आगे सेमी कॉलन का सिंबल लगाना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें फाइंड में जाना होगा। अब फाइंड में कैसे जाएंगे देखिए। अब हम फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए इस प्रकार से जाइएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में आप सेव कर लीजिए, और इस फाइल का नाम हम रखेंगे बल्क मेल टेस्ट डॉट डी ओ सी। अब हमें होम मेनू में रहते हुए नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा जब तक हमें फाइंड का ऑप्शन नहीं मिल जाता। स्क्रॉल करते रहिए, नीचे देखिए लास्ट में आपको फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर टॉप में देखिएगा, फाइंड में चेकबॉक्स ब्लैंक आ गया, उसमें आपको टाइप करना होगा कैरेट पी, जैसे साइन बना हुआ यहाँ पर कैरेट पी लिखना होगा। इसको लिखने का तरीका देख लीजिए स्क्रीन पर। कैरेट पी लिखने के बाद अब हमें करना क्या होगा, नीचे फिर से स्क्रॉल डाउन करके सर्च करना होगा रिप्लेस। स्क्रॉल करिए और नीचे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन हमें मिल गया, इसमें चेकबॉक्स पर क्लिक करिए, रिप्लेस वाले चेकबॉक्स पर। इसमें क्लिक करने के बाद आप देखिए ऊपर टॉप पे रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, वहाँ पर हमको लिखना होगा सेमी कोलन, क्योंकि हमें हर ईमेल एड्रेस के आगे में सेमी कोलन लगाना है, इसलिए सेमी कोलन लगा के आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिएगा, और देखिए रिप्लेसिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सभी ईमेल एड्रेस के आगे सेमीकोलन आ चुका है और जो न्यू लाइन थी सब हट चुकी है। एक बार फिर से हम फाइल को सेव कर लेंगे। अब हमें रैंडमली ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करने होंगे, स्टार्टिंग से ड्रैग करके उसको नीचे तक ड्रैग करते हुए 1 to 2-3 पेजेस तक आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और तब तक सेलेक्ट करिए जब तक सेमी कोलन लास्ट में ना मिल जाए।
जहाँ सेमी कोलन एंड हो रहा है वहाँ तक आप सेलेक्ट करिए और इसको कॉपी कर लीजिएगा। जहाँ पर ईमेल एड्रेस ख़त्म हो रहा है और सेमी कोलन है वहाँ तक आप सेलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए इसको। उसके बाद हम खोलेंगे अब अपना आउटलुक। जिससे हमें मेल भेजना है इसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद टू में आप अपना खुद का ईमेल एड्रेस टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद सब्जेक्ट में भी लिख दीजिएगा टेस्ट मेल। ये भी ऐसे डेमो के लिए टेस्ट मेल, आप अपना जो भी सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप मेल कंपोज करिएगा। इसमें मैं सिर्फ लिखता हूँ टेस्ट मेल। मेल बॉडी जो है उसमें लिख रहे हैं टेस्ट मेल ओनली। आपको जो भी मैटर हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद टू के सामने ड्रॉपडाउन दे रखा है उसमें आप क्लिक करिएगा, बीसीसी आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप वापस से वर्ड फाइल में जाइएगा। वर्ड फाइल में जाने के बाद आप स्टार्टिंग से सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे लाइएगा, सिलेक्शन कीजिए नीचे तक, नियरली 1 to 2 pages इसमें सेलेक्ट कीजिए आप, और जिस ईमेल आईडी के आखिरी में सेमी कोलन आ गया हो वहाँ तक आप सिलेक्शन कीजिए रैंडमली, और आपके ईमेल एड्रेस 500 को क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक मेल में आप 500 से ज़्यादा ईमेल नहीं भेज सकते। कॉपी करने के बाद वापस से आउटलुक में आइए और बीसीसी के सामने प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे सारे ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली अरेंज होके आ गए हैं। नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट सेंड पे क्लिक करना है। सेंड हो गया, आप दिखाएगा वो सेंडिंग। देखिए सेंडिंग हो गया है। अब आपको चेक करना है कि सारे मेल गए हैं कि नहीं गए हैं, तो उसके लिए आप सेंट में जिस मेल को आपने भेजा उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद क्लिक करिए क्लिक करने के बाद डिटेल्स पे क्लिक करिए तो सारे ईमेल एड्रेस शो करेंगे जो आपने सेंड किए थे। ऐसे ही दोबारा आप कंपोज करिए, फिर जहाँ तक सिलेक्शन किया था उसके नेक्स्ट सिलेक्शन आप करिए और उसको मेल को सेंड करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।